डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज तारीख है 12 नवंबर 2018। शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस जो है ये ऑनलाइन कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। इस तरफ एसएससी सीजीएल के जो कोर्सेज हैं उनके डिटेल्स दिए हुए हैं। इस तरफ एचसीएस यूपीएससी आरएएस वगैरह के अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। कल की क्विज के आंसर्स बता रही हूँ। 34वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 कहाँ पर हुई? झारखंड में। इस्लाम धर्म कहाँ से शुरू हुआ? सऊदी अरेबिया से। और राजा राममोहन रॉय को राजा का खिताब किसने दिया? राजा का खिताब दिया अकबर द्वितीय ने। आज का पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल जो है वो किस तारीख को रसोगुल्ला दिवस मनाएगा? रसगुल्ला के लिए बंगाली में उसको कहते हैं रसोगुल्ला। तो वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल किस तारीख को रसोगुल्ला दिवस मनाएगा? उत्तर है इसका 14 नवंबर। जिस दिन बाल दिवस होता है ना, उसी दिन मनाया जाएगा ये रसोगुल्ला दिवस। क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए मनाया जा रहा है कि ठीक एक साल पहले यानी कि 14 नवंबर 2017 को जो रसोगुल्ला है बंगाल का, उसको जीआई टैग मिला था। जीआई टैग का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये उन चीज़ों को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करते हैं, जिस वजह से उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी कुछ विशेषताएँ आती हैं। तो इस साल जब एक साल पूरा होगा इस जीआई टैग को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 14 नवंबर जो है अब से वो रसोगुल्ला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आंसर हमारा ए है। अब आपके लिए प्रश्न, हाल ही में एक राज्य की लीची को भी जीआई टैग मिला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वो लीची कौन से राज्य से थी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य ने सरकारी स्कूलों को सरकारी स्कूलों की जीपीएस मैपिंग लॉन्च की है? ये लॉन्च की है नागालैंड ने। ठीक है, नागालैंड जो है वहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जीपीएस मैपिंग हाल ही में लॉन्च की गई है। आपको मैं इससे संबंधित एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च की जीपीएस मैपिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। और अब मैं आपको नागालैंड के बारे में जानकारी देती हूँ। पहले भी काफ़ी बार दे चुकी हूँ, अगर अब तक याद हो गया है तो मेरे साथ साथ रिवाइज करें। ये छोटा सा राज्य है हमारा नागालैंड, जो नॉर्थ ईस्ट में है। राजधानी यहाँ पर कोहिमा है। गवर्नर यहाँ पर पद्मनाभा आचार्य हैं। चीफ मिनिस्टर नेफू रियो हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर 60 सीटों का, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 1 सीट। और जो हाईकोर्ट है इनका, वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं, कोहिमा में बेंच है। ठीक है, यूनिक बात इसकी ये है कि इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी जो जनसंख्या है वो 2001 के बाद जब 2011 में की गई तो वो कम मिली। इकलौता राज्य जहां पर जनसंख्या घट गई। ये जानकारी नागालैंड के बारे में। अब हम चलते हैं आगे। ओके, अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि अब की बार नैया पार्क के तहत हम एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं। यह है इंग्लिश का महासंग्राम। ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स दोनों के लिए। पहले इंग्लिश के बारे में आपको बता रही हूँ कि रोज रात को 9 बजे, ठीक है, रोज रात को 9 बजे आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि 25 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। उस तरह के प्रश्न होंगे उसमें जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न हल्के से मुश्किल की ओर होंगे, दे विल बी स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड। ओके, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि वास्तविक रूप से कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर जाइए ssccglpinnacle.com। आप उस पर जाइए और ये क्वेश्चंस पहले से ही वहां पर आपको अपलोडेड मिलेंगे। आप वो पूरे का पूरा टेस्ट दीजिए, देखिए आप कहां खड़े कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद आप रात को 9 बजे ये वीडियो देखें। ये कब से शुरू हो रहा है? ये 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे ये वीडियो आएगा, एवरीडे मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे। ठीक है, तो एपिसोड 1 देखना इस बार 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के दिन। रसोगुल्ला दिवस भी मनाना, और भगवान करे आप अच्छा करो रसोगुल्ला खाएं भी उस टेस्ट के बाद। सिमिलरली ये कौन बनेगा लखपति सीरीज जो है, ये मैथ्स के लिए भी है, मैथ्स का महासंग्राम। एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल ये सीरीज होगी, जो रेलेवेंट होंगे एग्जाम्स में, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आएंगे। और एपिसोड 1 देखना आप 16 नवंबर को सुबह 11 बजे। ठीक है, इसमें भी पहले हम वेबसाइट पे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, आप वहां पर उनको सॉल्व करें, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे सबसे बढ़िया उनको प्राइजेस वगैरह भी मिलेंगे। तो अब मैं चलती हूँ और लेकर चलती हूँ आपको प्रश्न 3 पर।
प्रश्न तीन में आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न तीन में आपसे पूछा गया है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के हाल ही में उन्होंने एक सर्वेक्षण किया, उसके मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा घिरा हुआ, यहाँ पर वैसे कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड का मतलब होता है एक ऐसा शहर जिसमें कि जो सड़कें वगैरह हैं बड़ी तंग हैं, निकलने में दिक्कत होती है, उस तरह का जो शहर है कंजेस्टेड सिटी कौन सा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा घिरा हुआ शहर कौन सा है? प्रश्न तीन, आंसर है हमारा बैंगलोर। बैंगलोर जो है वो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड है। देखो आईटी सिटी भी है और कंजेस्टेड भी है। ये सर्वे किसने किया? ये यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च उन्होंने किया। इसमें बैंगलोर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आया, सेकंड पोजीशन पर मुंबई आया कंजेशन में, और थर्ड पोजीशन पर आया दिल्ली। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका बैंगलोर, सेकेंड कौन है? सेकेंड था मुंबई, और उसके बाद थर्ड पोजिशन पर कौन था? थर्ड पोजिशन पर था दिल्ली, दिल्ली के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद कोलकाता। ये सारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सब आपको पीडीएफ में मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये बैंगलोर जो है सबसे कंजेस्टेड सिटी बना भारत का। चौथा प्रश्न है यहां पर, चुनाव आयोग ने महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, ये कौन से राज्य में स्थापित किए गए हैं? उत्तर है इसका छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर जो है सी है। आपको पता है जल्द ही बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये संगवारी पोलिंग बूथ जो है मतदान केंद्र, इनको छत्तीसगढ़ में सेटअप किया है। उद्देश्य ये है कि वहां पर जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर आए, उनको जो मत डालने का अधिकार दिया गया है वो उसका प्रयोग करें। और जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसमें संगवारी का मतलब होता है मित्र, और ये जो सांगवारी बूथ होंगे इन पर पूरी तरह से महिलाओं का ही स्टाफ होगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, सुपरवाइजर होंगे, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी पर्सनल भी होंगे जो देखेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो सभी महिलाएं ही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर फोर, आंसर क्या है इसका? आंसर जो है छत्तीसगढ़ है। अब मैं आपको मैप दिखाती हूँ और जानकारी देती हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में। ये देखो ये है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। ओके, कहाँ पर लोकेटेड है ये? थोड़ा सा सेंटर में और थोड़ा ईस्ट में लोकेटेड है। ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, 10th लार्जेस्ट है। कब बना? 1 नवंबर 2000 में। ओके, अब यहां पर 1 नवंबर की बात आई, जब भी मैं कोई इस तरह की बात कहती हूं आपके भी दिमाग में मेरी तरह घंटी बजनी चाहिए। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि 1 नवंबर को कितने राज्यों की स्थापना हुई थी, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कितने राज्यों की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर यहाँ पर रायपुर है। टोटल जिले यहाँ पर 27 हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह हैं बीजेपी से, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल लंबे सीटों वाला, जो राज्य पशु है वो वाइल्ड एशियन बफेलो है, स्टेट बर्ड हिल मैना है, स्टेट ट्री साल है, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी है। छत्तीसगढ़ एरिया में 10वीं पोजीशन पर और जनसंख्या में 17वीं पोजीशन पर है। एक ऐसा राज्य है जो रिसोर्स रिच है, काफ़ी रिसोर्सेज हैं उसके पास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और स्टील में ये अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, और जब ये बना था 1 नवंबर 2000 को, इसको एमपी से अलग किया गया था। 10 छत्तीसगढ़ी और 6 गोंडी स्पीकिंग जो साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थी मध्य प्रदेश की, उनका निर्माण किया गया छत्तीसगढ़ के रूप में। छत्तीसगढ़ मिनरल रिच है, यहाँ पर कॉपर, कोयला, आयरन, लाइमस्टोन काफी सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट जो है वो काफी फेमस है। छत्तीसगढ़ जो है वो टेंडू लीव्स की प्रोडक्शन में, जो टेंडू लीव्स होते हैं उनका बीड़ी बनाने में प्रयोग होता है। यहाँ पर मैं करेक्शन भी करना चाहूंगी, शायद मैंने एक वीडियो में ऐसे बोल दिया था कि टेंडू लीव्स में एमपी जो है वो नंबर वन है प्रोडक्शन में, जी नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूंगी अपने आप को और जिन लोगों ने भी वो सुना था उनको भी बताना चाहूंगी कि टेंडू लीव्स की प्रोडक्शन में नंबर वन पोजिशन पर है छत्तीसगढ़, और टेंडू लीव्स जो है उनका प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। तो ये थी जानकारी छत्तीसगढ़ के बारे में। प्रश्न पांच, पांचवा विश्व इंटरनेट सम्मेलन WIC कौन से देश में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया चाइना में, चाइना में आयोजित किया गया, हाल ही में ये खत्म हुआ है। और अब मैं आपको इससे संबंधित एक तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देखिए 5th वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस, वहां पर चाइना का वो जो वुजैन एक जगह है वहां पर ये आयोजित करवाया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न।
छठा प्रश्न, अब यहां पर पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का बाजार कौन सा देश बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सेकंड पोजीशन पर कौन आ गया है, सेकंड पोजीशन पर आ गया है भारत। आपके मन में उत्सुकता होगी, मैम ये तो बताओ नंबर वन कौन है, नंबर वन यहां पर चाइना है। स्मार्टफोन का सबसे बड़ा मार्केट चाइना और सेकेंड पोजिशन पर आ गया है भारत। भारत ने किसको पछाड़ा, भारत ने पछाड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पछाड़ के भारत आ गया सेकेंड पोजिशन पर। दोनों क्वेश्चंस में चाइना आया तो मैप में आपको दिखा देते हैं चाइना। ये देखो भारत के अगर आप इस ओर देखते हैं बड़ा सा कंट्री है चाइना, इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, जनसंख्या में नंबर वन है ये। ओके, कैपिटल यहां पर बीजिंग है लेकिन सबसे बड़ा शहर शंघाई है। यहां पर गवर्नमेंट यूनिटरी वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। करेंसी रेनमिनबी है और ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टैंडर्ड चाइनीज। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय पत्रकार ने हाल ही में साहस के लिए 2018 लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। ये अवार्ड जीतने वाली है भारत की पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर जो है हमारा डी है। अब स्वाति चतुर्वेदी जो है ये एक भारतीय है, इंडियन फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और इनको टारगेट बनाया था ऑनलाइन ट्रोलिंग और हैरेसमेंट का, और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। ओके, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था और इन्होंने फिर काफी निर्भीकता दिखाई जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। आप इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना, इनकी पुस्तक का नाम आ सकता है। इन्होंने पुस्तक लिखी है आई एम अ ट्रोल इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ बीजेपीज डिजिटल आर्मी। ओके, और विश्व भर से 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला है जिनमें से एक ये भी है। ये सारी अतिरिक्त जानकारी, पुस्तक का नाम वगैरह सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, बस आप पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें। अगला प्रश्न, 9 नवंबर को कौन सा राज्य है जो अपना स्थापना दिवस मनाता है। ओके, 9 नवंबर को कौन से राज्य ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। तो जाहिर सी बात है इसकी स्थापना जो है वो सन 2000 में हुई होगी। सन 2000 में हमारे ये 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। आपको बताना है किसने मनाया 9 नवंबर को स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस मनाया उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आपको मैप में मैं उत्तराखंड दिखाती हूँ और उसके बारे में जानकारी देती हूं। यह है हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड, इसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। कब बना था, 9 नवंबर सन 2000 को। कैपिटल है यहां पर देहरादून। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इनका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर 71 सीटों वाला। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में इनके पास सीटें हैं 5। यहां पर जो नैनीताल है, नैनीताल में इतनी सारी झीलें हैं कि हम उसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। साथ ही जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जहां पर इंडियन आर्मी के जो रिक्रूट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, वो भी देहरादून में लोकेटेड है। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। अगला प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया है कि किस शहर ने अपने खुद की यातायात निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए डच की सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ करार किया है। ओके, तो ये करार किया है पुणे ने। हाल ही में वो जो कंजेशन वाला सर्वे हुआ था ना, जिसमें बताया गया कि भारत की सबसे कंजेस्टेड सिटीज कौन सी हैं और उसमें नंबर वन पोजीशन पर बेंगलुरु आया, जो मैंने आज ही के वीडियो में कवर किया, उसी सर्वे में 7वीं पोजीशन पर कंजेशन में पुणे था। ठीक है, तो पुणे जो है उसने टाई अप किया है अब एक डच बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ और उनका अपना एक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। और ये जो डच बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है इसका नाम है टॉम टॉम एनवी। ठीक है, ये इसका नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर जो है वो डी है। अगला प्रश्न, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए हम मनाते हैं 10 नवंबर को। ठीक है, 10 नवंबर को मनाते हैं और इस बार जो 2018 वाला हुआ था उसका थीम था साइंस अ ह्यूमन राइट, वो उसका थीम था।
आज मैं आपको स्टैटिक जीके में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी। जल्द ही बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आपको हम चुनाव आयोग के बारे में बताएं। जो चुनाव आयोग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक बॉडी का मतलब क्या हुआ कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा, एक ऐसी बॉडी होगी, ऐसी संस्था होगी जो भारत में चुनाव करवाएगी। बहुत बार प्रश्न आता है कि ना इनमें से कौन सी बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी है, तो उसके लिए मैंने ये इंक्लूड किया। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, भारत में चुनाव करवाना उसका काम है। जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 324 जो है वो ये कहता है कि भारत में ऐसी बॉडी हो जो चुनाव करवाए। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल से संबंधित है, 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 26 जनवरी को, उससे ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और इसीलिए क्योंकि इस दिन इसका गठन हुआ, हम इस दिन को मनाते हैं एज नेशनल वोटर्स डे। हेडक्वार्टर्स कहां पर है, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है राइट नाउ भारत में, ओम प्रकाश रावत, और सुनील अरोरा और अशोक लवासा जो हैं ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तीन लोग होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ओके, कितने कमिश्नर्स होते हैं, तीन, उनमें से एक होता है आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना बहुत ही टेढ़ी प्रक्रिया है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाता है, और दो ही ग्राउंड्स पर इनको, दो ही आधार पर इनको हटाया जा सकता है, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। हटाने के लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास पहले इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर उसको दो तिहाई बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में पारित करवाइए, तब हटाया जा सकता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आज तक भारत में कभी भी इनका इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 6 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है, या फिर 65 वर्ष तक, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। पांचवा विश्व इंटरनेट सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, दूसरा प्रश्न है गवर्नर ऑफ नागालैंड कौन है, और हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था। इन तीनों के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो बढ़िया लगा तो आप एक इसको लाइक दे सकते हैं, जरूर दीजिए, हम काफ़ी मेहनत होती है, वीडियो सुबह 4 बजे आपके लिए अपलोड होता है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पर बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।